आर के अजीरा। सो नेक्स्ट एल्गोरिदम, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। यूजर ने अगर नंबर एंटर किया है उसका फैक्टोरियल हम लोग को डिस्प्ले करने का। सो व्हाट विल बी द एल्गोरिदम? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज स्टार्ट। नेक्स्ट, फैक्टोरियल ये एक लॉजिक है जिसको हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए एक काउंटिंग वेरिएबल लेना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालने का है तो काउंटिंग में 1 से स्टार्ट करता हूँ। कैसे? 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 5 का फैक्टोरियल अगर फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सो हर एक नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने के बाजू वाले के साथ टिल बी गेट 1, तो वो मल्टीप्लीकेशन 5 to 1 करो या फिर 1 to 5, इट इज 1 एंड सेम। यहाँ पे हम लोग काउंटिंग 1 से स्टार्ट करेंगे। सो अगेन एक नंबर यूजर देने वाला है जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालने का है। सो वो नंबर अगर 5 है तो 1 से लेके 5 तक का काउंटिंग होगा, वो नंबर अगर 2 है तो 1 से लेके 2 तक का काउंटिंग होगा। सो विल फर्स्ट एक्सेप्ट दैट नंबर। नेक्स्ट वी विल चेक और गेट एन काउंटर दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वैल्यू 1। सो एक काउंटर इनिशियलाइज कर लिया जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो 1 से काउंटिंग चालू करेंगे, किधर तक जाने का है मुझे? नंबर तक जिसका फैक्टोरियल निकालने का है। तो अगर फैक्टोरियल 4 का निकालने का है तो 1 × 2 × 3 × 4 करना होगा। सो काउंटिंग 1 से स्टार्ट किया, किधर तक जाने का है वी विल मेंशन हियर। सो चेक इफ काउंटर इज ग्रेटर देन दैट नंबर, जो नंबर था उससे ग्रेटर है तो मुझे स्टॉप करने का है। देन यस, इफ इट इज यस देन गो टू स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 स्टॉप करने का हम लोग को। सो काउंटर उस नंबर से आगे नहीं जाना चाहिए, उस नंबर तक ही मुझे मल्टीप्लीकेशन करने का, ठीक है। सो चेक काउंटर इज ग्रेटर देन दैट नंबर, नो इट इज 1 नाउ। सो अंदर आके मुझे कैलकुलेशन करने का, कैलकुलेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। किसका? एक फैक्ट मीन्स एक आंसर है मेरे पास 1, वो मैं एक मेमोरी में स्टोर करूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा काउंटर के साथ। तो 1 × 1 1 आंसर आएगा इनिशियली, देन इंक्रीमेंट द काउंटर, काउंटर हो गया 2। 2 होने के बाद अगेन मुझे एक काम करने का है, अगेन विल सेंड इट टू द स्टेप 4, चेक इफ द काउंटर इज ग्रेटर देन यूजर एंटर नंबर, नो अगेन मल्टीप्लाई द फैक्ट वेरिएबल विद द काउंटर वेरिएबल। तो अभी काउंटर वेरिएबल 2 हो गया है और फैक्ट के पास आंसर है 1, तो 1 × 2 करेगा, 1 × 2 आंसर आया, फैक्ट के पास 2, फिर काउंटर इंक्रीमेंट होगा 3। नेक्स्ट टाइम जब जाएगा फैक्ट का वैल्यू 2 एंड काउंटर वेरिएबल 3, 2 × 3 = 6। तो हमेशा हम लोग आंसर जो आता है दैट इज फैक्ट, उसको मल्टीप्लाई करते हैं काउंटर वेरिएबल के साथ। तो आंसर 1 है, 1 × 1 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर हो गया 2, 2 × 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया आंसर हो गया 6, 6 × 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया आंसर हो गया 24। तो 4 का फैक्टर मिल गया मुझे। कब तक करने का है? वो नंबर तक नहीं पहुंचते, समझो हम लोग 4 तक पहुंच गए हैं एंड नाउ काउंटर इंक्रीमेंट करने के बाद 5 आया है। चेक काउंटर इज ग्रेटर देन दैट नंबर, यस 5 इज ग्रेटर देन 4, देन वी शुड गो टू स्टेप नंबर 7। तो स्टेप नंबर 7 पे हम लोग जंप करेंगे, नो नॉट स्टेप 7, इट इज स्टेप 8। स्टेप 8 पे हम लोग जंप करेंगे एंड स्टेप 8 इज डिस्प्ले द आंसर। तो आंसर जो है फैक्टोरियल का जो वैल्यू है वो हम लोग डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले करने के बाद वी विल स्टॉप। सो फैक्टोरियल कैलकुलेट किया, नाउ इसका सीडो कोड भी एक बार देख लेते हैं, सीडो कोड। चलो सो स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप दैट इज स्टार्ट। नेक्स्ट मैं यूजर को बोलूंगा एंटर अ नंबर, जो नंबर का फैक्टोरियल निकालने का वो नंबर एंटर करो। तो प्रिंट में मैंने मैसेज दे दिया एंटर नंबर, नंबर मैंने एक मेमोरी में स्टोर किया दैट इज एन, इनपुट एन। नाउ काउंटिंग चालू करने का है 1 से, तो इनिशियलाइज काउंटर फ्रॉम 1 एंड आंसर किधर स्टोर करने का है? फैक्ट, तो आंसर में पहले से ही 1 होना चाहिए, तो ही वो कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में चेक करने का है काउंटर इज ग्रेटर देन दैट नंबर, इफ इट इज यस देन गो टू स्टेप नंबर 9, अदरवाइज स्टॉप। तो मैं चेक कर रहा हूँ काउंटर इज ग्रेटर देन दैट नंबर, नो। स्टेप 6, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट का वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू 1 है, 1 × 1 आंसर आया 1। नेक्स्ट मुझे काउंटर को इंक्रीमेंट करने का, तो काउंटर इज इंक्रीमेंटेड टू 1, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। इंक्रीमेंट होने के बाद अगेन मैं चेक करने के लिए भेजूंगा, दैट मीन्स गो टू स्टेप 5। फिर चेक किया मेरा काउंटर ग्रेटर देन नंबर है, नहीं है, तो अगेन मैं फैक्ट का वैल्यू 1 एंड आई का वैल्यू अभी 2 हो गया इंक्रीमेंट करने का, तो 1 × 2 आंसर अगेन 2 आया, फिर काउंटर इंक्रीमेंट होगा 3। नेक्स्ट टाइम वापिस स्टेप 5 के पे जाएंगे, अगेन फैक्टोरियल का वैल्यू दैट इज 2 एंड आंसर का वैल्यू 3, सॉरी काउंटर का वैल्यू 3, 2 × 3 = 6। तो ये कैलकुलेशन चलता रहेगा। कैलकुलेशन होने के बाद एक बार मेरा वैल्यू उस नंबर को क्रॉस करेगा, तो मेरा नंबर अगर 5 है, 5 का फैक्टोरियल, तो मेरा आई 5 से आगे चला गया, देन वी विल गो टू द स्टेप नंबर 9 एंड स्टेप नंबर 9 पे हम लोग जो आंसर आया था फैक्ट के पास उसको डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले द आंसर एंड देन सब काम हो गया है, तो लास्ट स्टेप विल बी द स्टॉप। सो इधर हम लोग एल्गोरिदम में मेंशन कर रहे हैं हाउ वी आर गोइंग टू राइट द कोड और प्रोग्रामिंग
for calculating a factorial in a step-by-step sequential manner. And that is called as an algorithm. That's it.